बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल नोमी खान एक्सप्लोरर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे इलाके में गंदम का सीज़न आ चुका है, तो आज हमने लगाना है गंदम को पहला पानी। और मैं और अंसर भाई खेतों में आ चुके हैं। ये देखिए अंसर भाई हैं। तो अभी मैं सबसे पहले आपको कुछ सीन दिखाता हूँ खेतों के, और उसके बाद जो है ना वो ट्यूबवेल पर चलते हैं, जिस ट्यूबवेल का हमने पानी लगाना है। तो आप साथ साथ रहें। ये खूबसूरत नज़ारे हैं जी गाँव के, और ये छोटी छोटी अभी देख रहे हैं आप गंदम निकल आई है। अभी इसको पहला पानी इस गंदम को लग चुका है, और इस तरफ हमारी है जिसको हमने लगाना है। और यहाँ पे ये साथ में है ट्यूबवेल, और इस ट्यूबवेल का हमने पानी लगाना है। ये जनाब ट्यूबवेल है, और ये तकरीबन जनाब ये साढ़े प्यारे बुज़ुर्ग हैं, इन्होंने 6 से 7 साल हो गए हैं इतने काम कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ना बुजुर्गों क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो? बिल्कुल ठीक। खुश हो? कोई परेशानी तो नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं। अच्छा, आजकल गंदम का सीजन तुम पता साढ़े इलाके दे विच आ गया, आज पहला पानी लावना सारा। तो पहले तो दसो बस साड़ी वारी कैसे मावड़ी? तकरीबन 3:30 बजे। 3:30 बजे, चलो मतलब आधा घंटा रह गया। अच्छा, तो वैसे आजकल के रेट निकला है पानी का इस दफा? कोई खास कंफर्म नहीं। हाल कंफर्म नहीं हो रहा? अच्छा ठीक हो गए जी बुजुर्गों, आराम करो, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। व्यूवर्स, अभी मैं ये मट्टी लेने जा रहा हूँ, चिकनी मट्टी जो है, क्योंकि जब हमने ट्यूबवेल से पानी को लेके जाना है तो उसके लिए हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये बाइक है, तो अभी मैं चलता हूँ मट्टी लेने। सामान पकड़ लो, मैं मिट्टी चाहिए हूँ। ठीक हो गया। जी तो व्यूअर्स, यहाँ से मिट्टी डालूँगा मैं अब इस थैले में, इस थैले के अंदर मिट्टी डाल लेता हूँ। ये बहुत कीमती मिट्टी है। ये थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर खड़ा है, और यहाँ से अब मिट्टी लेके मैं जाऊँगा। ये बहुत काम आएगी पानी लगाने में हमारे, क्योंकि जब पानी को हमने अपनी तरफ लगाना है ना, तो उस चीज़ में काफ़ी मदद देगी। फिर मैं साफ कर लेता हूँ अपने हाथों को। तेरी खैर, चैलेंज जी, बिल्कुल वीरान सी जगह है और आसपास कोई भी इंसान नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। लीजिए जी, मैं आ गया फाइनली व्यूअर्स। ये ट्यूबवेल है व्यूवर, अभी मैं इसका जो है ना वाटर प्रूफ सीन आपको दिखाता हूँ। पानी के अंदर में कैमरे को जो है ना लगा के मैं आपको वाटर प्रूफ सीन चेक कराता हूँ।
फाइनली फाइनली व्यूअर पानी जड़ा अस हूँ बनन लगे हैं। ए अंसर साहब रेडी खलोते हैं इस तरफ से, जनाब चाचा जी अरी साढ़े रेडी खले, चलो जी चलो। टाइम क्या हो गया वे 3:43, चलो जी बटन दबाओ। ये दो बटन है, एक सावा ते एक रत्ता। जी ठीक होगा जी, बजुर्ग साढ़ा दिन भाई सही करके वीडियो तू बनावनी जरा वेखने नाले मजा आवे ते तुस कमेंट लाजमी रिप्लाई करना वे। थोड़ी थोड़ी सेम है, उस दर नहीं है यार इतना इशू। ऐ जी मैं जी मिट्टी लै चिकनी उसे काम दिता है ना उस काम दिता देता ना उस देख लो जी इसे मिट्टी का काम दिता वाती यार कदर कोई नहीं मैडी चाचा इंज क्यों हैं चंगे बंदे की कदर कोई नहीं सदियों मारा हो इंज गाले चंगे बंदे की वाकई कदर कोई नहीं जी। तो व्यूवर्स सूरज भी इस वक्त गरूब होने वाला है ये सामने देखें आप, और ये जो पानी है अभी हमारी खेतों में आ चुका है। अब देखें कितना टाइम लगता है, 3:00 अब टाइम हो चुका है 57 मिनट, मतलब 4 हो गए हैं और तकरीबन 6 से 7 घंटे तो हमें लग जाएंगे। 2 एकड़ जो है ना जगह है हमारी ज़मीन है, और अंसर भाई आगे हैं थोड़ा सा बीज डाल रहे हैं मज़ीद बेहतरी के लिए, और मैं साथ साथ में हूँ फेरे पे मेरी ड्यूटी है ताकि पानी जो है वो कहीं से टूट ना जाए और किसी और की गंदों में ना चला जाए, उससे हमें भी नुकसान होगा और जिसने पहले पानी लगाया हुआ है उसको भी नुकसान होगा, तो इसलिए मेरी ड्यूटी यही है। तो ये देखें यहाँ से ये ट्यूबवेल है और यहाँ से पानी आ रहा है इस साइड से, और इस साइड से होके आगे जाएगा वहाँ पर अंसर भाई खड़े हैं, तकरीबन 10 मिनट लग जाते हैं पानी पहुँचते हुए। आज की रात जो है वो तो तकरीबन हमें आ जानी है, तकरीबन 1 बजे तक शायद पानी जो है वो हमारा जाएगा, मेरे ख्याल में 1 बजे तक 1:30 बजे तक लाजमी जाएगा। तो एंड पे मैं आपको बताऊंगा, इस साइड पे भी जिलानी भाई की गंदों में जिनका ट्यूबवेल है वो सामने, तो ये जिलानी भाई की गंदों में और इन्होंने जो है वो पानी लगा दिया है, मेरे ख्याल में इनको पानी लगाए हुए 1-2 दिन हो गए हैं जो है ना वाज़ पता चल रहा है। जी तो व्यूवर्स लाइट चली गई है एक बार फिर, और अभी मैच देख रहा हूँ मैं साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच लगा हुआ है, ये चेक करें। तो इंजॉय करते हैं और दुआ करें कि आज जो साउथ अफ्रीका जीत जाए, क्योंकि इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की जो राह है वो हमवार हो जाएगी सेमीफाइनल में जाने के लिए। तो अभी तो पोजीशन अच्छी जा रही है साउथ अफ्रीका की, तो जब तक लाइट नहीं आती तब तक मैच देखता हूँ।